वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज की वीडियो के शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर है अनुराग श्रीवास्तव। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण देश के अन्य हिस्से में फंसे 1,00,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के बैंक खातों में ₹1,000 ट्रांसफर किए। सही उत्तर है बिहार। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसे नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सही उत्तर है यूबी प्रवीण राव और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, किस दिन को यूनेस्को रवांडा के तुत्सी में 1994 के नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। सही उत्तर है 7 अप्रैल। छठवां क्वेश्चन, कौन आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है जिसका उद्देश्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है। सही उत्तर है नासा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है। सही उत्तर है लाइफलाइन उड़ान। आठवां क्वेश्चन, ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किस ऑनलाइन पार्टनर के साथ हाथ मिलाया है। सही उत्तर है डुंजो। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में महमूद जिब्रील का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो सही उत्तर है लीबिया। अब करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर का नाम क्या है। सही उत्तर है जीवन। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए बुक किए गए लोगों को अब उनके दरवाजे पर चालान मिल रहे हैं। नागपुर की सीमा से सटे सिवनी जिले में 6 अप्रैल 2020 को इस पहल की शुरुआत की गई। सबसे पहले अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने इस डोर स्टेप डिलीवरी को शुरू किया था। बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, चूँकि आजकल कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा है सिंधी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, एक सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 231, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या है 29। अब बात करते हैं FIR की। तो FIR का पहला फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR कहा जाता है। भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य COVID-19 से लड़ने हेतु 300,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स खरीदेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने COVID-19 के लिए 300,000 रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर देने की घोषणा की है। सरकार ने 13 जिलों के 13 अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के रूप में चिन्हित और नामांकित भी किया है। इस संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए इन अस्पतालों में किसी अन्य रोग का इलाज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या है 13, राजभाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, द्विसदनीय विधानमंडल है लेकिन हाल ही में वहाँ की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। विधान परिषद सीटों की संख्या 58, विधानसभा सीटों की संख्या 176, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या है 25। अगला क्वेश्चन, MHRD ने COVID-19 से निपटने के लिए किस चैलेंज का शुभारंभ किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी समाधान। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने COVID-19 से निपटने के लिए एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज और विकसित करेंगे जिससे कि सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों एवं अन्य सेवाओं को कोरोना वायरस महामारी और ऐसी अन्य आपदाओं के त्वरित समाधान उपलब्ध करवाए जा सके। वर्तमान में MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और AICTE के अध्यक्ष हैं यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनिल सहस्त्रबुद्धि। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनेमा। कन्नड़ के लोकप्रिय हास्य अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया। उन्हें कई कन्नड़ फिल्मों में अपनी निभाई कॉमिक भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के प्रति उनके लगाव के कारण उन्हें बुलेट नाम दिया गया था। उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हाल ही में भी कन्नड़ की कुछ फिल्मों को साइन किया था, और वो इससे पहले भाजपा के सदस्य भी रह चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन्ड लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए नोएडा स्थित स्टार्टअप मोब कोडर की सहायता से रक्षा सर्व ऐप विकसित की है। कोरोना की संख्या में लगातार होती बढ़ोतरी के कारण घर पर क्वारंटाइन किए गए हर व्यक्ति पर नियमित निगरानी रख पाना बेहद मुश्किल है। इसी उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि पुलिस निगरानी में सक्षम हो सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जिसका कि नया नाम है अब अटल नगर। सबसे बड़ा शहर है रायपुर। जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से टूटकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था और ये देश का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 90, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको कि माँ का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विदेशों से आपूर्ति लाइनों को खोलने के बाद भारत को किस देश से 1.70 लाख PPE कवर प्राप्त हुए हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो भारत को हाल ही में चीन से 1.70 लाख PPE प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। कैबिनेट ने हाल ही में अस्थायी रूप से 2020-21 और 2021-22 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि सांसद निधि फंड को निलंबित करने की मंजूरी दी है। इससे 7900 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस राशि को भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन को 1 वर्ष के लिए 30% तक कम करने के लिए भी मंजूरी दी है। और इसी के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी वेतन में कमी के लिए स्वेच्छा से कमी करने की बात कही है। अब बात करते हैं सांसद निधि, जिसका कि पूरा फुल फॉर्म MPLADS यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को की गई थी, जब प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से चयनित नियुक्त होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत के निर्वाचित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए कितने डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.9 मिलियन डॉलर। अमेरिका ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID के माध्यम से भारत को 2.9 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। भारत को यह राशि COVID-19 से निपटने में मदद करने और देश में फैल रही महामारी को रोकने के लिए कोरोना संक्रमितों की देखभाल करने वाले स्थानीय समुदायों को उपकरणों की मदद के लिए दी जाएगी। USAID का मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो प्रशासक हैं वो है मार्क ग्रीन। अगला क्वेश्चन, MHRD ने किस ऐप को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजी लॉकर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी यानी कि NAD घोषित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मंत्रालय ने UGC को डिजी लॉकर के तहत स्थायी योजना के रूप में NAD को लागू करने का निर्देश दिया है। डिजी लॉकर क्लाउड आधारित एक प्रमुख सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो कि उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को संग्रहित करने की अनुमति देता है, यानी कि एक तरीके से ई डॉक्यूमेंट्स वाला ऐप है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से उद्योगपति लॉकडाउन में और अमीर हो गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राधा किशन दमानी। एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड को नियंत्रित करने वाले राधा किशन दमानी की शुद्ध संपत्ति इस वर्ष 5% बढ़कर $10.2 बिलियन हो गई है। इससे भी 12 सबसे अमीर भारतीयों में से एकमात्र अरबपति बन गए हैं। जहां मुकेश अंबानी से लेकर अडानी, कोटक और नाडर तक की संपत्ति में कोरोना वायरस के संकट के चलते बड़ी गिरावट दर्ज की गई है,
वहीं इस आंधी के बीच रिटेल मार्केटिंग कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट के मुखिया राधा किशन दमानी की संपत्ति 5% बढ़ गई है और ये अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बिजनेस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिजनेस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स। तो हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को बिजनेस लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। बिजनेस क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार और सबसे पुरानी पत्रकार है। बेन स्टोक्स को आप अच्छी तरीके से याद होगा, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन है, NHAI द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया, यह कितना है? तो इनमें से आपको बताना है कितने किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जनरल स्टडीज़ में आपके लिए क्वेश्चन है, हमारी हड्डी और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।